देश में निवेश निरंतर टूट रहा है, और इसी तिमाही का अगर आप देखें तुलनात्मक उससे, तो 0.6% इन्वेस्टमेंट है। और गिरी कहाँ से है? 9.8% से। तो निवेश ही 9.2% टूटा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसके बावजूद वो उनका ये कहना कि अब हम रिकवरी के रास्ते पर हैं, हम इसको स्वीकार करना ठीक नहीं समझते हैं। जहाँ तक एनुअल जीडीपी की बात है, जो पूरे साल की जीडीपी हो, सरकार उसको 6.8 से 6.1 पे लाई और अब कल 5% पे ले आई है। ये स्वयं ये आरबीआई का भी यही अनुमान है, सरकार का भी। सबसे बड़ी चिंता निवेश के बाद मैन्युफैक्चरिंग की है, जहां रोज़गार बनते हैं। उसमें 0.2%, और ये नेगेटिव में है। इसके माने ये हैं कि निर्माण नहीं हो रहा, कारखाने जो बंद पड़े थे वो खुल नहीं रहे बल्कि और बंद हुए हैं, और उसके साथ साथ रोज़गार टूट रहे हैं, रोज़गार पैदा नहीं हुए। जैसा मैंने कहा, निरंतर 7वीं तिमाही है और 7 बरस का सबसे कम है, इसलिए ये प्रश्न उठाना ज़रूरी हो जाता है।